आपके लिए वीडियो जो मौसम चेंज हो रहा है, जैसे समर सीज़न आया है, ये पौधों पर काफ़ी इफेक्ट डालता है गुलाब के। कोई भी मौसम हो उसमें चेंजेस तो आते ही हैं, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ख़ासतौर पर गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। और इस सीज़न में पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि पानी अगर सही से नहीं दिया गया तो पौधे मर जाते हैं। बेसिकली जब नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो वो आपकी क्ले सॉइल या रेड सॉइल में लगे हुए आते हैं, वो पैकेट्स में, या तो वो सफ़ेद पैकेट्स में होते हैं या फिर वो ब्लैक पैकेट्स में होते हैं। गमले में लगाने से पहले आपको जो उसकी हार्ड सॉइल जो आता है वो नर्सरी से लग के लगा हुआ, मतलब उसमें आपको साइडों से मिट्टी को हटाना है, उसकी रूट हेयर्स बाहर आ जानी चाहिए, जो टैप रूट है उसकी मेन रूट है वो उसमें बनी रहनी चाहिए, यानी रूट बॉल उसके अंदर रहनी चाहिए, लेकिन जो साइडों की मिट्टी को हटा दें ताकि रूट हेयर बाहर आ जाए। जब आप पॉटिंग मिक्स बनाते हैं उसमें फिर वो एडजस्ट कर सके, मतलब जो रूट हेयर से वो पेनिट्रेट कर जाए उसमें और डेवलप हो सके, क्योंकि वो हार्ड सॉइल की वजह से वो रूट हेयर बाहर नहीं आ पाते और इस तरह से रूट का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता। क्योंकि ये जब आप गमले में पानी डालते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मिट्टी पूरी तरह गीली हो गई, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ होता है। उसमें जो रूट बॉल है, जो रेड सॉइल और क्ले सॉइल के अंदर जो टैप रूट है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता और वो ड्राई रह जाती है, जिसकी वजह से पौधा मर जाता है। आप समझते हैं पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा है पौधा ये। तो जो बेसिक प्रॉब्लम है गुलाब के पौधे के मरने की, उसकी रूट बॉल है, क्योंकि रूट बॉल के अंदर जब तक आप उसको मॉइस्ट नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे सही से उसमें, तो वो मर जाएगी। मैंने भी कई बार ऑब्जर्व किया कि पानी काफ़ी भरा हुआ है गमले में, उसके बाद भी पौधे मर जाते हैं। तो मैंने जब उसकी मिट्टी को हटा के देखा अंदर से, तो उसकी रूट बॉल पूरी सूखी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर वो जड़ ड्राई होकर ख़त्म हो जाती है पूरी तरीके से। तो मैंने यही पाया कि मेन रीज़न जो ये है गुलाब के पौधे के मरने का, वैसे वो पानी जड़ तक ना पहुँचना एक बहुत बड़ा रीज़न है, ख़ासतौर पर गर्मियों में। तो जब भी आप पानी लगाएं, तीन स्टेप में लगाएं, पहले खूब भर दें पानी को, मतलब जब पानी लगाते हैं एकदम तर कर दें उसको, गमले को पूरा भर दें, फिर वो एब्जॉर्ब कर लेगी मिट्टी सारा, फिर दोबारा डालें थोड़ी देर के बाद, फिर एब्जॉर्ब कर लेगी, थर्ड टाइम डालें फिर एब्जॉर्ब कर लेगी। उससे ये होता है कि रूट बॉल तक सारा पानी पहुँच जाता है और जड़ें ड्राई होने से बच जाती हैं, क्योंकि जहाँ ये रेड सॉइल और क्ले सॉइल अगर ये सूख जाती है ना, पानी नहीं मिलता ये अंदर जड़ को, रेड टैप रूट को, तो डेफिनेटली गुलाब का पौधा मर जाता है। गुलाब के और भी जो रेड और क्ले सॉइल में आते हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं अगर मेन रूट को पानी ना मिले, क्योंकि टैप रूट तो मेन रूट है, वो तो रूट हेयर्स तक पानी गया, लेकिन जो मेन रूट अगर सूखी रह गई तो पौधा मरना शुरू हो जाएगा आपका, या बहुत अनहेल्दी हो जाएगा या बिल्कुल ही ग्रो नहीं करेगा, सूखना शुरू हो जाएगा, उसकी कुछ टहनियाँ काली पड़ जाएंगी, सब सोचते हैं कि डाईबैक हो गया, ऐसा नहीं होता। वो ड्राइनेस जो आती है ना अक्सर इस वजह से भी आती है कि टैप रूट में पानी नहीं पहुंच पाता। तो जब भी आप लेके आए नर्सरी से पौधा तो उसकी थोड़ी सी साइडों से मिट्टी छाड़ दें ताकि उसकी रूट हेयर बाहर निकल आए और नई सॉइल में एडजस्ट कर सकें। तो इसमें बहुत सारे रीज़न है, इसमें एक मेन रीज़न यही है कि पानी का ना पहुंचना। आप खूब अच्छे से गुलाब के पौधों को नहलाएं ताकि वो पत्तियां ठंडी रहें, ख़ासतौर पर मिट्टी के गमले में लगाएं ताकि पौधा ठंडा रहे, उसकी जड़ें ठंडी रहें। तो इस वक्त भभक बहुत जल्दी आता है पौधा, तो शाम के टाइम में बेसिकली लगाया करें, मतलब ये बहुत अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम के टाइम जब धूप कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उस वक्त आप पानी डालते हैं तो गमला ठंडा हो जाता है, मिट्टी ठंडी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपका समर सीज़न में गुलाब का पौधा डेफिनेटली बच जाएगा। इसमें जो मेन रीज़न जो समर सीज़न में आता है वो पानी की कमी की वजह से होता है, कि टैप रूट यानी मेन रूट तक पानी सही से नहीं पहुंच पाता, चाहे गमले की मिट्टी सारी गीली हो लेकिन टैप रूट तक अगर पानी नहीं पहुंचा है तो डेफिनेटली आपका पौधा ड्राई होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म्स तक उसको पानी ना मिले तो मर जाएगा। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि समर सीज़न में पानी का ख़ास ख्याल रखना है, और ख़ासतौर पर गुलाब का पौधा पानी अगर आप पत्तियों में डालते हैं, छिड़कते हैं, उसमें स्प्रिंकल करते हैं तो बहुत पसंद करता है।
इससे स्प्राउटिंग अच्छी होती है, धूल वगैरह सब हट जाती है, कीड़े वगैरह जो लगे होते हैं वो भी हट जाते हैं। तो निलाया ज़रूर करा करें पौधों को, ताकि उसमें साफ़ सुथरे रहें पौधे, और साफ़ सुथरा जब रहेगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होगा। तो पानी का बहुत ख्याल रखना, कि इरीगेशन जो है पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नम मिट्टी में अच्छे से पनपते हैं। क्योंकि पानी ऐसे डालिए कि ना तो वो चिपचिपी हो मिट्टी, मतलब पानी पी जाए अच्छी तरह से मिट्टी, और वो मॉइस्ट हो जाए, क्योंकि इसको मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और टैप रूट को आपको ख़ास ख्याल रखना है, अगर टैप रूट अगर उसकी इंजर्ड हो गई, उसे पानी नहीं मिला सही से, तो पौधा नहीं पनप पाएगा, क्योंकि वो मेन रूट है। रूट हेयर तक पानी तो गया लेकिन टैप रूट में नहीं पहुँच पाया, तो इसलिए रूट बॉल का ख़ास ख्याल रखें और उसमें पानी अच्छे से दें। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे कितने अच्छे हो रहे हैं हरे भरे, आप देखिए सारे, क्योंकि अब मैंने इनका ख़ास ख्याल रखना शुरू कर दिया है। आप यहाँ देखिए इसमें पत्तियाँ आने लगी, क्योंकि मैंने टैप रूट में पानी को अच्छे से दिया है, वो पानी डायरेक्ट पहुँच रहा है पौधों, देखिए हरी हरी पत्तियाँ इस मौसम में बहुत शानदार पत्तियाँ निकलनी शुरू हुई हैं, बडिंग भी हो रही है। ये वाला पौधा तो बहुत दिन से सही नहीं हो रहा था, मैंने इसका जब लाल मिट्टी में है तो मैंने गौर से देखा तो सूखी रहा करती थी, अब बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू कर दिया है इसे। यहाँ देखिए कलियाँ भी आ रही हैं, और यहाँ भी देखिए स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, इसमें भी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। यहाँ देख सकते हैं आप कितनी स्प्राउटिंग हो रही है, कितना अच्छे से मतलब बडिंग आ रही है इनमें मेरी। तो ये मैंने पानी का ख़ास ख्याल रखना शुरू किया है, इसकी टैप रूट तक पानी पहुँचाया है मैंने, तो ये और अच्छे से ग्रो करना शुरू कर दिया है। तो व्यूअर्स, आप पानी का ख़ास ख्याल रखें, टैप रूट यानी मेन रूट तक पानी का ध्यान रखें कि पानी जा रहा है नहीं जा रहा है, अगर इतना ख्याल रख लेंगे गर्मियों में तो बहुत अच्छा होगा। फंगीसाइड का स्प्रे भी करते रहें इस मौसम में थोड़ा थोड़ा। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड आप 15 दिन के गैप से डालते रहें, और NPK वगैरह भी 19-19-19 और 12-61 भी आप 15-15 दिन के गैप से डाल सकते हैं, ताकि इन्हें न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर वे में मिलते रहें। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया ग्रोथ हो रही है मेरे पौधों की, क्योंकि अब मैं पानी का ख़ास ख्याल रख रहा हूँ, इसलिए ये पौधे बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं। आप ये देखें यहाँ कितनी अच्छी बडिंग आ रही है, क्योंकि इनकी जड़ों तक पानी और न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में पहुँच रहे हैं। काफ़ी दिन बाद मैंने अभी आपसे ये वीडियो बनाई, और ऑडियो वीडियो दोनों ही हैं, अभी तक तो मैंने ऐसे ही दिखाया था, काफ़ी दिन तक के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं इनसे। तो आप जो मैंने अभी आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि गर्मियों में आपको पौधों को कैसे केयर करनी है, पानी का ख़ास ख्याल रखना है, तभी आपका पौधा अच्छे से पनप सकता है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा गुलाब के बारे में, मैं डेफ़िनेटली कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ।